गुड मॉर्निंग माई डियर किड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 13। दिस इज योर इंग्लिश बुक। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न यूज ऑफ दिस एंड दैट। दिस एंड दैट, दिस मीन्स आपको पता होगा, दिस मीन्स क्या होता है, यह है, एंड दैट मीन्स वह है। दिस मीन्स यह है, एंड दैट मीन्स वह है। दिस का मीनिंग होता है यह है, और दैट का वह है। ओके, सो दिस का यूज हम जहाँ करते हैं, दिस इज यूज फॉर नियर ऑब्जेक्ट। जो नियर, जो हमारे पास में रखी होती हैं, वो उनके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं, और दैट का यूज़ जो हमारे डिस्टेंस में, जो हमारे डिस्टेंस में रखी हो कुछ चीज़ें, तो हम उसमें दैट का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल, आपके पास, जैसे मेरे पास में ये पेंसिल है, तो मैं क्या कहूँगी, ये मेरे पास है, नियर है, सो मैं क्या कहूँगी, दिस इज़ ए पेंसिल बिकॉज ये मेरे नियर में है। ओके, और ये बुक जो मेरे डिस्टेंस में है, मेरे से डिस्टेंस में है, सो मैं क्या बोलूँगी, दैट इज़ ए बुक। जो हमारे डिस्टेंस में होती है उसके लिए हम दैट का, और जो हमारे नियर होती है उनके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी रीड सेंटेंस। दिस इज़ ए कैट, ये गर्ल दिख रही है आपको, तो ये कैट इसके नियर ऑब्जेक्ट में है। किस कैसे ऑब्जेक्ट में, नियर ऑब्जेक्ट में है। सो इसमें किसका यूज़ हुआ है, दिस का यूज़ हुआ है, क्योंकि ये पास में है, नियर है। ओके, नियर में है ये, तो यहाँ पे दिस का यूज़ हुआ है। एंड दैट इज़ ए रैट, ये दूर है। ये रैट क्या है, ये चूहा है, इस गर्ल से दूर है, डिस्टेंस में है, सो वी यूज़ दैट इज़ ए रैट। दिस इज ए कार, ये इस बॉय के पास में है, नियर है, नियर ऑब्जेक्ट है, सो यहाँ पे यूज हुआ है दिस का, दिस का यूज हुआ है, दिस इज ए कार। एंड दैट इज एन एरोप्लेन, ये डिस्टेंस में है, तो यहाँ किसका यूज हुआ है, दैट का यूज हुआ है, दैट का यूज हुआ है, दैट इज एन एरोप्लेन। ओके, जहाँ वॉवल्स होते हैं, जो वॉवल्स होते हैं वहाँ पे एंड का यूज़ किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ ए बाइक, ये नियर ऑब्जेक्ट है, इस गर्ल के पास में है, दिस इज ए बाइक, इसीलिए यहाँ पे दिस का यूज़ हुआ है। एंड दैट इज ए बाईसाइकिल, ये डिस्टेंस में है, तो दैट इज़ ए बाईसाइकिल। ओके, नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ नियर ऑब्जेक्ट, ये इस गर्ल के पास में है ये डॉल, सो वी यूज दिस। ओके, दिस की स्पेलिंग THIS, दिस इज ए डॉल। और ये बॉल डिस्टेंस में है, डिस्टेंस में है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, दैट। ओके, दैट का यूज़ करेंगे यहाँ, दैट इज़ ए बॉल, दैट स्पेलिंग THAT, दैट। ओके, नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ ए हैंड, ये नियर ऑब्जेक्ट है, ये पास में है, इसकी हैंड इस गर्ल के पास में है, सो वी यूज दिस। जो पास में होता है, नियर ऑब्जेक्ट होते हैं, उन्हें, उनके लिए दिस का यूज़ करते हैं, ये बताया मैंने आपको, दिस इज़ ए हैंड। एंड दैट इज़ एन एग, दैट इज़ एन एग, दिस इज़ वॉवल, सो वी यूज़ एन। एंड दिस इज़ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस में है, सो वी यूज़ दैट, इसीलिए हमने दैट का यूज़ किया है। तो आपको दिस एंड दैट का यूज कुछ समझ में आया? हाँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ए कैट, दिस इज ए कैट, दैट इज ए रैट, दिस इज ए कार, दैट इज एन एरोप्लेन, दिस इज ए बाइक, दैट इज ए बाइसाइकल, दिस इज ए डॉल, दैट इज ए बॉल, दिस इज ए हैंड, दैट इज एन एग। ओके बच्चों, आपको भी समझ में आया होगा, आप घर पे इसी तरह से रिवाइज करना, इसको प्रैक्टिस करना, दिस एंड दैट की स्पेलिंग भी आपको लर्न करना है, इसका मतलब यह है, दैट का मतलब वह है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।